हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो द लास्ट चांस क्वालिफाइज चैलेंज इज हियर, बुक ऑफ हीरो रिवॉर्ड है। तो आज हम इस वाले इवेंट को कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं आप कैसे इसको इजीली थ्री स्टार कर सकते हो। पूरी वीडियो एंड तक देखना वरना काफी कुछ मिस कर जाओगे। लेट्स गो इनटू द अटैक। सो गाइस, अभी हम अटैक पर आ चुके हैं। अभी अपन को थोड़ा सा करना है फनल एंड एवरीथिंग। एक लून अपन डिप्लॉय करेंगे इधर, एक बेबी ड्रैगन अपन डाल देंगे इधर, एंड अब अपर साइड है तो अपर साइड में यहाँ मैं एक येटी डाल लेता हूँ, यहाँ मैं एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल लेता हूँ। सो बस वो फनल होना शुरू हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, स्पैम कर देना अपने येटीज को, पीछे से एक एक करके सुपर आर्चर डाल लेना, एंड किंग को इस कंपार्टमेंट के अंदर भेज देना, एंड इधर क्वीन विथ वार्डन डिप्लॉय कर लेना, एंड इधर से आपको डालना है अपना लॉग लॉन्चर। अभी आपको करना क्या है, जस्ट वेट करना है एंड वेट करना है एंड वेट करना है, एंड यहाँ पर गाइस सारे के सारे आप डिप्लॉय कर लेना। अर्थक्वेक स्पेल एक पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा, एंड एक पॉइजन स्पेल के साथ में यहाँ स्केलेटन वगैरह डाल लेना एक, ताकि वो थोड़ा डाइवर्ट करते रहेंगे क्वीन को भी, एंड ऑल एंड पॉइजन में स्केलीज वगैरह आ जाएंगे। सो एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से आपको रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय कर लेना एट द बैक हैंड, एंड अभी सब कुछ अटैक सही जा रहा है। आप देख सकते हो लॉग लॉन्चर भी अपना आगे की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पर लॉग लॉन्चर ओपन हो गया। अभी जाने देना, क्वीन बची हुई है एंड स्केलेटन स्पेल से। तो गाइस स्केलेटन स्पेल आपको डिप्लॉय कुछ इस तरह से करने कि वो किंग वगैरह को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दे, एंड पीछे से दो हेड हंटर को डिप्लॉय कर लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलेटन स्पेल्स बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, एंड यहाँ एक और स्केलेटन डाल लेना। क्वीन आर स्टिल अलाइव, वार्डन की एबिलिटी यूज कर लेना यहाँ पर, एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब यहाँ पर लून बचा लेना, ये फनलिंग ट्रूप से इनको बचा लेना, ठीक है। अभी देख सकते हो मेरे पास 5 फ्रीजेस बची हुई है, मैं यहाँ पर फ्रीजेस करने वाला हूँ, एंड रॉयल चैंपियन का एबिलिटी पॉपअप कर लेंगे। एवरीथिंग इज गोना गुड। अब यहाँ से आर्चर वगैरह डिप्लॉय कर लेना आप, एंड टाउन हॉल को फ्रीज करते रहना। क्वीन का एबिलिटी बचा हुआ है, एक बैलून बचा हुआ है, तो उस बैलून का भी अभी मैं बताऊंगा आपको यूज। अभी थोड़ा आपको होल्ड करना है, टाउन हॉल को फ्रीज करते रहना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टाउन हॉल इज द मेन जो डिफेंस है ना उसका टाउन हॉल ही है। अब टाउन हॉल को टेक डाउन करना है, सो टाउन हॉल यहाँ पर टेक डाउन हो रहा है गाइस, देख सकते हो। क्वीन बाहर है, क्वीन बहुत सही जा रही है, एंड क्वीन का एबिलिटी बचा हुआ है। क्वीन को अधिकतर आपको डिफेंसेस से बाहर ही रखना है, एंड एक लून एंडिंग में आपको क्लियरिंग में यूज करना है। थोड़ा सा आपको वेट पेशेंस रखना पड़ेगा। एक और फ्रीज बची हुई है, आप देख सकते हो एक सुपर आर्चर और एक फ्रीज बची हुई है। फ्रीज आपको बचा के रखनी है। अब जब ये टारगेट करेगी इसको, वहां एक बैलून डाल लेना, यहां एक फ्रीज कर लेना, ताकि गाइस अपर साइड में वो बैलून हिट करता रहेगा, देख सकते हो उसको, एंड क्वीन जाएगी। अब यहां पर एबिलिटी आप दे लेना इजिली, नीचे साइड में आप देख सकते हो आर्चर वगैरह क्लियरिंग कर रहे, अपर साइड में यहाँ पर क्वीन आ गई है। अब आपके पास एक बैलून भी बचा हुआ जो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू देकर के जाने वाला है, एंड डेफिनेटली बस आपको इतना ही करना है, एंड ये अटैक ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। स्पैम कर देना स्केलेटन स्पेल का यूज, अगर आप नहीं कर पा रहे ढंग से तो करना। जो सिंगल है, सिंगल है, स्कैटर है, इनको डाइवर्ट करने में काम में आएगा। स्केलेटन स्पेल अगर आपने ढंग से डाल दिया तो ये ट्रिपल है, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, लिटरली मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं लिया, एंड ये इजी ट्रिपल हो गया। कुछ नहीं है बेस में, बहुत इजी है, तो इजीली कर लेना। एक जो आपका अटेम्प्ट लगेगा अगर आप लोअर टीएच हो तो, बट स्टिल लोअर टीएच में स्केलेटन स्पेल को यूज नहीं करता, हायर टीएच में फिर भी करता है। स्केलेटन स्पेल यूज करने का मेन रीजन यही है कि आपको मेनली डाइवर्ट करना है स्कैटर शॉट के हिट्स, हीरोज के हिट, सिंगल का हिट, फ्रीजेस बचा लो एंड अटैक कर लो। तो इन 2 मिनट इजी 3 स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, लव यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।